गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था और कि उसकी स्ट्रक्चर में जो है उसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर कैसी होती है, कौन कौन सी उसके अंदर रचनाएं पाई जाती है और मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पर जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कितने प्रकार के होते हैं। आज जो है उसको कंटिन्यू करते हुए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम पढ़ते हैं, केमिकल कंपोजिशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बायोजेनेसिस ऑफ ईआर एंड फंक्शंस ऑफ ईआर, तीन जो है बातों के बारे में जो है पढ़ेंगे आज। सबसे पहले बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन। अपन जानते हैं जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंटैक्ट सेल्स में एक कंप्लीट स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देती है, लेकिन जब हम इसको जो है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, डिफरेंशियल अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, तो उसके कई छोटे छोटे टुकड़े जो है उससे प्राप्त होते हैं और वो स्ट्रक्चर कहलाती है माइक्रोसोम्स। माइक्रोसोम्स जो कि ईआर के टुकड़े होते हैं। माइक्रोसोम्स का हम एनालिसिस करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन से कवर्ड रहती है और इसमें जो है 60% प्रोटीन होता है और 40% जो है लिपिड होता है। इसका मतलब यह कि जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन की बनी होती है। प्रोटीन कंटेंट जो है ईआर में लिपिड की तुलना में ज़्यादा होता है और जो लिपिड पार्ट है उस लिपिड में भी जो 70% लिपिड होता है वो फॉस्फोलिपिड फॉर्म में पाया जाता है। फॉस्फोलिपिड फॉर्म पाया जाता है और ये फॉस्फोलिपिड्स इसमें जो है मैक्सिमम पार्ट लेसिथिन और सिफिलिन फॉर्म में होता है, सिफिलिन फॉर्म में पाया जाता है। और प्रोटीन और लिपिड जो है एक सिंगर और निकल्सन के फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पैटर्न के अनुसार जो है इस तरह से मेम्ब्रेन दिखाई देती है। उसके बाद जो प्रोटीन पार्ट होता है इसका वो दो तरह का होता है, एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन और दूसरा है एंजाइमेटिक प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो है उसमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जो है लिपिड की बाइलेयर की सरफेस में या जो है पेरिफेरल प्रोटीन के रूप में या इंटीग्रल प्रोटीन के रूप में अरेंज रहते हैं और एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। और एंजाइमेटिक प्रोटीन जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और यही इसी कारण जो है ये कई एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ के लिए एक स्थान जो है प्रदान करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम्स हमेशा उपस्थित रहता है, हमेशा इसकी जो है उपस्थित रहती है और इसी कारण जो है इस एंजाइम को जो है मार्कर एंजाइम ऑफ ईआर कहा जाता है। एक चिन्हक जो है एंजाइम के रूप में ये जाना जाता है जो हमेशा ही जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रहता है। इसके अलावा भी जो है कई एंजाइम्स जो है इसके अंदर ईआर की सरफेस पर आ जाते हैं, जैसे 5- न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम, न्यूक्लियोसाइड पाइरोफॉस्फेटेज एंजाइम, एटीपीएज साइटोक्रोम B5, एनएडीएच साइटोक्रोम B5 रिडक्टेज एंजाइम एटसेट्रा, कई तरह के एंजाइम इसके अंदर जो है पाए जाते हैं। तो इस तरह से जो है इसका ये केमिकल कंपोजिशन हुआ ईआर का। उसके बाद हम बात करते हैं बायोजेनेसिस, जैविक जनन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो है ईआर की उत्पत्ति जो है वो एन्यूलेटेड लैमिली द्वारा होती है, यानी जो वलित पटलिकाएँ जो होती है एन्यूलेटेड
लेमिली, इसके द्वारा जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बायोजेनेसिस होता है। जैसे कि पिछले हमने वीडियो लेक्चर पढ़ा था कि एन्यूलेटेड लेमिली जो है उसका निर्माण न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जो है ब्लेब्स बनते हैं, और यानी यहाँ पर ब्लेबिंग की प्रोसेस होता है, ब्लेबिंग प्रोसेस होता है। ब्लेबिंग प्रोसेस के द्वारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, जैसे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द्वारा जो है छोटे छोटे ब्लेब्स इस तरह से बनाए जाते हैं, और ये ब्लेब्स आपस में जो है इस तरह से जुड़ जाते हैं, और उसके बाद बीच में जो पोर बन जाता है, और इस तरह से जो ये सिस्टनी बन जाती है। सबसे पहले जो इसके अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म में पाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो है राइबोसोम नहीं होता है, और उसके बाद में इस पर राइबोसोम अटैच होकर के, और ये जो है यहाँ पर राइबोसोम अटैच होते हैं, और यह जो है RER में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से एन्यूलेटेड लैमेली सिस्टम के द्वारा जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से होते हुए ब्लेबिंग प्रोसेस के द्वारा और एन्यूलेटेड लैमेली SAR और RER का फॉर्मेशन होता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फाइनली जो है इसके अंदर ER का सिंथेसिस करती है। अब उसके बाद हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कि ER की जो है अंतःद्रवी जालिका जो है उसके कार्य क्या क्या है। तो उसके बारे में हम लिखते हैं फंक्शंस कौन कौन से इसके। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म, इसके अलावा जो है इसके अंदर बहुत सारे और भी कार्य होते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट, और फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। तो इस तरह से जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन है। सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म अपन जानते हैं कि एनिमल सेल्स में जो फूड स्टोरेज होता है वो ग्लाइकोजन फॉर्म में पाया जाता है, और ER में जो है ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेटेज एंजाइम पाया जाता है। ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट एंजाइम जो एक मार्कर एंजाइम होता है, यह एंजाइम जो है जो ग्लाइकोजन स्टोरेज रहता है एनिमल सेल्स में जो है उसका विघटन करता है, उसका रेस्ट्रिक्शन करता है, और ग्लूकोज प्रोवाइड कराता है, जिससे कि ऊर्जा जो है प्राप्त होती है, एनर्जी उत्पन्न होती है। तो ग्लाइकोजन का विघटन ग्लूकोज में होना यह प्रोसेस कहलाता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में लाइसिस होना, विघटन होना। तो इस तरह से ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का कार्य करती है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसकी सरफेस पर राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम द्वारा जो है नेसेंट प्रोटीन्स जो सिंथेसिस किए जाते हैं, एक नवजात प्रोटीन का जो है संश्लेषण किया जाता है, और यह प्रोटीन जो है वहाँ से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ल्यूमेंस में पिंच्ड ऑफ हो जाते हैं, और वहाँ उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, और चेंजेस होने के बाद में जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वो सीक्रेटरी वेसिकल्स के फॉर्म में जो है अटैच हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है
राइबोसोम के चिपकने के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक प्रॉपर सरफेस प्रोवाइड करती है और प्रोटीन सीक्रेशन में पार्टिसिपेशन या पार्टिसिपेट करती है। तो इस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस में भी जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा प्रोटीन का विघटन भी जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है और वो विघटन जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इसके अंदर SER में कई एंजाइम्स पाए जाते हैं जैसे पेप्टाइडेज एंजाइम, एमिनो एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम। ये एंजाइम जो है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का जो है डिस्ट्रक्शन करते हैं और प्रोटीन मॉलिक्यूल का विघटन होने के पश्चात एमिनो एसिड फॉर्म में जो है वो अणु जो है प्रोटीन अवेलेबल रहता है। तो ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होगी। उसके बाद हम बात करते हैं लिपिड मेटाबॉलिज्म। लिपिड जो है वो किससे बना होता है? न्यूट्रल फैट और ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं और ये जो फैटी एसिड्स के तीन मॉलिक्यूल्स और ग्लिसरॉल का एक अणु जो है एस्टर बॉन्ड द्वारा जो है अटैच होता है और ट्राइग्लिसराइड्स या न्यूट्रल फैट्स बनाते हैं और ये जो है एनर्जी स्टोरेज के प्रोडक्ट होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये ट्राइग्लिसराइड्स या लिपिड्स के जो संश्लेषण स्थल होते हैं इसके अलावा लिपिड स्टोरेज का काम भी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। अगर कोई फास्टिंग सेल्स है उसको अगर ऑयल सप्लाई की जाए तो वो ऑयल ड्रॉपलेट्स जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इकट्ठी हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है लिपिड मेटाबॉलिज्म का कार्य भी करती है। इसके अलावा लिपिड मेटाबॉलिज्म में जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कोलेस्टेरॉल जो कि स्टीरॉयड है उसका संश्लेषण भी करती है। स्टीरॉयड जो है ये हार्मोन्स के प्रीकर्सर होते हैं जैसे ओवरी, टेस्टिस, एड्रिनल ग्लैंड्स जो है डक्टलेस ग्लैंड्स जो होती है उनके प्रीकर्सर कंपोनेंट्स होते हैं और इस स्टीरॉयड का सिंथेसिस जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो जाता है और स्पेशली जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करती है और संचयन भी करती है। नेक्स्ट जो है इसका करेक्टर है वो है जो फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्ट परिवहन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से संबंधित कुछ एंजाइम जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं और ये एंजाइम जो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करते हैं और ये एंजाइम जैसे NADH साइटोक्रोम B6 रिडक्टेज ये एंजाइम जो है पाए जाते हैं ER में और ये जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। और आयन ट्रांसपोर्ट का काम भी जो है एनिमल सेल्स जो है उसकी मसल सेल्स जो एनिमल्स की जो मसल सेल्स होती है उसमें एक एक्टिव ATPase एंजाइम पाया जाता है वो एंजाइम जो है आयन ट्रांसपोर्ट का काम करता है और ये जो है कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है और कैल्शियम आयन जो है मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में जो है आवश्यक होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है मैकेनिकल सपोर्ट। अपन जानते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है प्लाज्मा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में कम्प्लीटली जो है नेटवर्क के रूप में फैली रहती है और उसको जो है रेमिफिकेशन कर देती है मैट्रिक्स का कई चैम्बर में बांट देती है। इस तरह से ये एक सेल के लिए स्केलेटन फॉर्म में काम करती है, उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट फंक्शन जो है फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल। कोशिका में पाए जाने वाले कई सेल ऑर्गेनल्स या कोशिकांग जो होते हैं उसकी मेम्ब्रेन जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जब जो है फॉर्मेट जो है उसका निर्माण होता है जैसे कि प्रोप्लास्टिड्स की मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन और गोल्जी कॉम्प्लेक्स का निर्माण जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कई माइक्रो बॉडीज जो है वो भी बनती है जैसे कि पेरोक्सिसोम है ग्लायोक्सिसोम से। तो इस तरह से कई जो है सेल ऑर्गेनल्स जो है उसकी मेम्ब्रेन का निर्माण करने में और ऑर्गेनल्स के निर्माण में भी जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस तरह से जो हमारा ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑर्गेनल्स कंप्लीट हुआ। थैंक यू।